आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरे या कोशिश, हौसलों से भरे या कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सीटेट का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो भी चैप्टर होगा जेंडर से, जेंडर वायस से, जिसको लिंग पाशपात बोलते हैं, लिंग पूर्वाग्रह से बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लिंग के बारे में देखेंगे, समाज के निर्माण में लिंग की क्या भूमिका होती है। तो समाज के निर्माण में लिंग की भूमिका दोनों की, स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका होती है। किसी एक का भूमिका कहना यह क्या है, महज गलत है। स्त्री की भी भूमिका होती है और पुरुष की भी होती है। आजकल देखते हैं हर क्षेत्र में स्त्री और पुरुष सभी क्षेत्र में आगे हैं। जहाँ पुरुष हैं वहाँ स्त्री लोग भी हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, इंजीनियर का क्षेत्र हो। ये तो इसके बाद लिंग पक्षपात के बारे में देखें, जिसको जेंडर वायस बोला जाता है या लिंग पूर्वाग्रह कहा जाता है। वो लिंग पक्षपात क्या होता है, किसी एक लिंग की वरीयता देना लिंग पक्षपात होता है। जैसे एग्जांपल बोले, लड़कियों अच्छा गाना गाती है, तो मतलब एक क्या लड़की के बारे में उसकी वरीयता दे रहे हैं, स्त्री लिंग को दे रहे हैं, तो एक क्या लिंग पक्षपात है। या कह सकते हैं क्रिकेट लड़के लोग खेलते हैं, तो ये क्या, ये भी जेंडर वायस है। मैंने किसी एक लिंग की प्रति वरीयता देना ही जेंडर वायस देता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं, आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर एक में। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, जेंडर क्या है। जेंडर एक जैविक निर्धारण है, जेंडर क्या है, जैविक निर्धारण है। सेकंड में क्या कह रहा है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक संरचना है। देखिए जेंडर की बात उनके कर्तव्यों से यहाँ किया जा रहा है कि जो निर्धारित किया गया, स्त्री होंगे तो घर के काम करेंगे, पुरुष होंगे घर के बाहर काम करेंगे। ये कहीं के द्वारा नहीं है, ये हमारे समाज के द्वारा दिया हुआ है कि स्त्री घर के काम करेंगे और जेंट्स होंगे घर के बाहर के काम करेंगे। तो ये क्या क्या, जेंडर एक सामाजिक संरचना, एक जैविक नहीं, एक सामाजिक। यहाँ सामाजिक संरचना, यहाँ पर जेंडर के मीनिंग सेक्स होता तो ये क्या होता, एक जैविक संरचना में आ जाता है। लेकिन यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, जेंडर दिया हुआ, तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा आपका एक सामाजिक संरचना, यानी सी नंबर। चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी लिंग पूर्वाग्रहण करते हैं। मैंने कहा लिंग पूर्वाग्रहण नहीं करते जो और सभी जगह लिंग पूर्वाग्रह ग्रहण करते हैं। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है मीडिया, फर्स्ट मीडिया में लिंग पूर्वाग्रहण भी करते हैं, सामाजिक वहाँ भी करते हैं, सांस्कृतिक वहाँ भी करते हैं। सामाजिक हमारी संस्कृति को, जो संस्कृति होगा, जो हमारी संस्कृति में है कि लड़की लोग घर की काम करेगी, लड़का लोग बाहर करेगा, तो वहाँ भी लिंग पूर्वाग्रहण करते हैं। ट्यूशन यानी स्कूल वगैरह में लिंग पूर्वाग्रह नहीं ग्रहण करते, वहाँ पक्षपाती नहीं कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्यूशन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर तीन, कक्षा की परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। लड़कियों पर कितना, यहाँ भी क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में, तो ही जेंडर वायस हो जाएगा। ऑप्शन कह रहा है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता, जेंडर समरूपता, तो एक की वरीयता यहाँ दिया जा रहा है, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि जो पुरुष और महिला की भूमिका का ये समाज करता है, यह कथन क्या बताता है। भूमिका का मतलब हुआ कि पुरुष का क्या कर सकते हैं, महिला क्या कर सकते हैं समाज के द्वारा। जैसे घर की सफाई जनरली बोला जाता है महिला करते हैं, तो ये क्या हमारे समाज के द्वारा दिया। देखिए एक ऑप्शन नंबर एक है लैंगिक एवं अंतर्निहित अवतरण, लैंगिक एवं अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिक एवं
अंतर ज्ञानी अवतरण है और डी करा लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। तो लैंगिक लैंगिकता एक क्या हो जाएगा सामाजिक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कि समाज के द्वारा क्या निर्धारित किया गया कि पुरुष क्या कर सकता है और महिला क्या कर सकता है और वे पहले से कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष यही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषता के बारे में जन समान की अवधारणा क्या कराती है। समाज के विभिन्न लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषता के बारे में क्या कह रहा है क्या इसमें। देखिए एक जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान और जेंडर रूढ़िवादिता। तो लिंग के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषता जन समान अवधारणा क्या कराएंगे, तो जेंडर रूढ़िवादिता कराएंगे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी रूढ़िवादिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छह है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री व्यवसाय एवं रंग को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना यह क्या प्रदर्शित करता है। जैसे खिलौनों को, जैसे गुड़िया है तो क्या लड़की खेलेगी, बॉल है तो लड़का खेलेगा, पिंक कलर है लड़की लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, व्हाइट लड़का पसंद करता है, तो ये क्या है, ये भी लिंग पक्षपात है या जेंडर वाइज इसको बोला जा सकता है, जेंडर रूढ़िवादिता भी बोला जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है विकसित जेंडर की पहचान, बी कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता और सी कर रहा है जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रसंग। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर जेंडर रूढ़िवादिता इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सात है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली, मैंने रूढ़िवादिता को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, हाँ कर सकते हैं जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा। बी कह रहा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देना, नहीं विशिष्ट भूमिका का महत्व देना तो गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाए, तो ये तो फिर अलग अलग हो गया, पृथक करना कि लड़की है तो कन्यागुड़ी से खेल सके, लड़का है तो बैट बॉल खेल सकता है, तो ये अलग हो। जेंडर पृथक बैठा कर व्यवस्था, ये तो और जेंडर हुआ कि लड़की इधर और लड़का अलग बैठेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए, तो जेंडर पक्षपात के बारे में यदि चर्चा क्लास में किया जाएगा तो निश्चित ही जेंडर वायस क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसीलिए सतमा का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है। क्वेश्चन नंबर यह कह रहा है हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए अपोजिट कर रहे हैं कि जो पिताजी जो है पुरुष हैं वो घर के कामों में कर रहे हैं और लड़कियां जो घर क्या कर रहा है साहसी काम कर रहा है, लेकिन जनरली माना जाता है कि साहसी काम क्या मतलब लड़का करता है, तो ये जेंडर वायस, तो जेंडर वायस को ये कम करने का उपाय किया जा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता, पक्षपात को सशक्त बनाना नहीं गलत हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता, हाँ समाप्त करता ये हो सकता है। सी देखिए यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, नहीं प्रोत्साहित करने, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा दे रहा है, नहीं जेंडर विभेदता को कम किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जेंडर विभेदता को समाप्त करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए क्या करा, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों की चयन करना एवं प्रस्तुत करना कि पुरुष एवं महिलाएं दोनों गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, या निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी हो सकता है, ये भी क्या करें गैर परंपरागत तरीका से। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखे थे कि जो पिताजी घर के काम कर रहे थे ये तो गैर परंपरागत है और जो महिला है साहसी काम करते, इस सबको पीटर क्या कलेक्ट किया जाता है तो उसको कम किया जाएगा। देखिए ऑप्शन कह रहा है जेंडर पक्षपात को बढ़ावा के लिए नहीं, जेंडर स्थिरता को बढ़ावा के लिए नहीं, जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन के लिए नहीं, जेंडर रूढ़ियों को
सामना करने के लिए, हाँ स्टीरियोटाइप जेंडर रूढ़िवादता था उसको सामना करने के लिए। इसलिए नौ का आंसर कौन हो जाएगा, नौ का जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मिनट इसको देख। चलिए इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर डी हो जाएगा, रूढ़िवादता के समान करने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचना क्या है। फिर भी देख रहे हैं कि लड़कों को अधिक वरीयता दिया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लिंग रूढ़िवादिता हुआ। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं, लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता, तो ये भी नहीं। यह शैक्षिक लिंग पक्षपात का उदाहरण है, ये शैक्षिक लिंग पक्षपात का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन क्या दर्शाता है। तो ये भी क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह का दर्शाता है। ऑप्शन में एक नंबर क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा, यही हो जाएगा, बी करा है बुद्धि विभिन्न पक्षों में से सही है नहीं के लिए, बी सी करा सही है, डी करा सही हो सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को इसमें क्या करा दर्शा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिंग है, लिंग या जेंडर से रिलेटेड क्या, लिंग एक क्या है, सामाजिक सहज गुण है, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता है और शारीरिक संरचना, तो क्या है, जैविक एक सामाजिक संरचना, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर बी हो जाएगा, लिंग एक सामाजिक संरचना। यहाँ लिंग जेंडर कहने से मतलब है उनके द्वारा कर्तव्यों को, लिंग क्या कर सकते हैं, स्त्री क्या कर सकता है, पुरुष क्या कर, तो ये समाज के द्वारा निर्धारित किया हुआ है, ये कहीं से है ना कि पुरुष से यही काम कर सकते हैं, इसलिए यह क्या सामाजिक संरचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, क्वेश्चन नंबर 13 करा, के अलावा निम्नलिखित श्रेणी जेंडर को प्रभावित करता है, कौन है वो जेंडर को प्रभावित करता है, जेंडर को के अलावा बाकी जेंडर को प्रभावित करता है लेकिन एक प्रभावित नहीं करा। फर्स्ट में है नृजातीयता, जातीयता के बारे में कह रहा है तो वो भी प्रभावित करता है, धर्म ये भी प्रभावित करता है, अविक्षमता जेंडर को प्रभावित नहीं करता, भाषा भी प्रभावित करता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी अविक्षमता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक अच्छी पाठ पुस्तक डैश से बचती है, एक अच्छी पुस्तक क्या है, लिंग पूर्वाग्रह से बचती है, मैंने उसमें लिंग पूर्वाग्रह के बारे में नहीं दिया हुआ रहता, अच्छी पुस्तक रहेगा तो क्या के लिए, लिंग पूर्वाग्रह क्या है, एक सामाजिक बुराई है, देखिए अलिंग पूर्वाग्रह, बी में करा लैंगिक संवेदनशीलता, सी में करा लैंगिक समानता और डी में करा सामाजिक उत्तरदायित्व, तो इसमें कौन सा जाएगा, ए नंबर लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, यदि कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद कीजिएगा तो क्या उसमें विद्यार्थियों का असर पड़ेगा, वो अपने परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर एक, शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, तो प्रभावित तो करता है, शिक्षार्थियों को हसन्मुख अप्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, हाँ हसन प्रयोग का निष्पादन का कारण बन सकते हैं, सीकर पुरुष शिक्षार्थी में वृद्धि उन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो हाँ नहीं, डी कह रहा महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों हेतु ही लेंगे पूर्वाग्रह के बारे में बता रहा, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों में हसन्मुख और प्रयास तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य स्तर पर एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय में लड़कियां को वरीयता दिया जाता है, ये भी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लड़कियां को वरीयता देना, यह क्या दर्शाएगा, लड़कियां को वरीयता देना,
ये भी लिंग पक्षपात होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। ऑप्शन देखते हैं, वैश्विक प्रवृत्ति विद प्रजनात्मक उपागम और सी करा है प्रगतिशील चिंतन। इसलिए आंसर इस कौन सा डी करा लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अभी दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक कक्षा 8 की एक पाठ पुस्तक में इस प्रकार चित्र है कि शिक्षक शिक्षिका एक घरेलू काम करते, शिक्षिका मैंने लेडीज के बारे में कह रहा है, शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में कौन सा पुरुष, के इस प्रकार का चित्र का क्या कह रहा है। तो ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है और रेडी, क्योंकि ये सेम चीज़ को दिखा रहा है, यदि अपोजिट को दिखाता तो रूढ़िवादिता को कम करता। एक फर्स्ट में कह रहा है लिंग सशक्तिकरण, नहीं लिंग सशक्तिकरण नहीं हो गया। बी कह रहा है लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भूमिका निर्वहन किया लिंग स्थिरता। तो इसका आंसर कौन होगा, लिंग रूढ़िवादिता, बी नंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्र के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो उनका निर्णय क्या है। देखिए अलग कर अलग कर रहे हैं कि पुत्री के लिए गुड़िया और फुटबॉल, ये भी लिंग पक्षपात कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि लड़की है तो पिंक कलर पसंद करें, लड़का है व्हाइट, तो ये भी क्या करें, लिंग पक्षपात करें। ए में ऑप्शन कर रहा है लैंगिक समरूपता, बी में लैंगिक संवेदनहीनता, डी का लैंगिक सशक्तता और डी कर रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता का धारण। तो क्या डी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन 18 का क्यों हो जाएगा, डी नंबर लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जब एक शिक्षिका यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे तथा अच्छे यह प्रदर्शन है, अच्छे हैं यह प्रदर्शन क्या है, ये भी लिंग पक्ष होते हैं कि लड़कियों से अच्छे लड़का के बारे में बता रहा है। नीति पूरक लिंग पक्षपाती शिक्षा पर सही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए लिंग पक्षपात हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रावधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है। देखिए सभापति से पुरुष का बोध हो रहा है और सभाध्यक्ष से ये पता नहीं चल रहा है कि वह बैठे हुए पुरुष हैं या महिला हैं। तो ये क्या है जो सभाध्यक्ष का यूज किया गया, एक लिंग के प्रति माने इसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज होता है सभाध्यक्ष। देखिए ऑप्शन कह रहा है एक अधिक उपयुक्त परिभाषा शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करें। हाँ ये लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, नहीं एक ऐसा कर रहा है लिंग पूर्वाग्रह लिंग मुक्त भाषा का, जिसमें कि स्त्री पुरुष का बोलने से पता नहीं चला। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि कैमरामैन बोलने से क्या होता है, पुरुष का बोध हो सकता है, लेकिन कैमरा खींचने वाला लड़की भी हो सकती है कैमरा करने वाला। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक तरह से लिंग मुक्त भाषा के बोलेंगे कि कैमरा पर्सन बोल सकते हैं, तो इसमें ये डिनोट नहीं हो रहा है कि कैमरा जो खींच रहे हैं महिला है कि पुरुष है, तो लिंग पर्सन का यूज करते हैं। उसी तरह यहाँ सभापति का यूज हो रहा है, ये पुरुष का बोध हो रहा है और सभाध्यक्ष का हो रहा, तो स्त्री पुरुष के बारे में नहीं पता चला कि वहाँ बैठे वाले जो स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर भी बताए ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हमेशा की तरह एक बार फिर कहना चाहेंगे, उस ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।